हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस इन लाइफ पर। तो जितने भी आप रिजल्ट्स देख सकते हैं, कि चाहे वह 1/17 हो, 2/17 हो, चाहे फिर जितने भी LDC क्लर्क जिनके एग्ज़ाम टाइपिंग के जो एग्ज़ाम हुए थे वह नवंबर, दिसंबर या जनवरी में हुए थे, तो उन सभी के रिजल्ट्स के बारे में मैंने बताया था आपको कि आपके रिजल्ट्स जो हैं जुलाई के सेकंड वीक में आने शुरू हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं आज 16 तारीख हो चुकी है और 16 तारीख में आपके जो रिजल्ट्स हैं स्किल टेस्ट के वह आने शुरू हो चुके हैं, और बाकी के जितने भी रिजल्ट्स हैं वह अगले महीने के मिड तक आने की पूरी उम्मीद है। जैसा कि अलग अलग कैटेगरी वाइज हैं, उनकी संभावना कब तक है उनको मैं अपनी अगली वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा कि किस रिजल्ट की कब तक आने की उम्मीद है। यदि आप उसको जानना चाहते हैं और हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले पाना चाहते हैं, नोटिफिकेशन पहले पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो इस रिज़ल्ट के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि 161 कैंडिडेट जो हैं वह क्या हैं सेलेक्ट हुए हैं, 292 कैंडिडेट्स के यहाँ अपियर हुए थे टेस्ट के लिए, 350 के यहाँ सेलेक्ट हुए थे स्किल टेस्ट के लिए, जिनमें से केवल 161 के यहाँ पास कर चुके हैं। अब उनमें से भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि वैकेंसीज़ कितनी हैं, केवल 34 वैकेंसीज़ हैं, और जनरल की 22, OBC की 4, SC की 8 और VH की 1। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 80 कैंडिडेट्स के यहाँ सेलेक्ट करे गए हैं किसके लिए, किसके लिए, ई डोजियर के लिए। 161 में से 80 कैंडिडेट्स जो हैं सेलेक्ट करे गए हैं, क्योंकि लगभग लगभग दोगुना बालक जो हैं, यानी दोगुना कैंडिडेट्स जो हैं वह किसके लिए बुलाए जाते हैं, ई डोजियर के लिए बुलाए जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वह सभी यह ना समझें कि वह सभी अब अपने अगले जो फाइनल रिजल्ट आएगा इसमें पास हो चुके हैं और उनकी नौकरी पक्की है, क्योंकि अभी एक और कट ऑफ आनी बाकी है जो कि फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ आएगी, जो कि किसके बाद आएगी, जो ई डोजर भर दिए जाएंगे उसके बाद में एक फाइनल कट ऑफ और आएगी। अब देखते हैं अभी क्या जनरल की और जनरल OBC SC और VH की जो कट ऑफ गई है कितनी हाई गई है, और अलग अलग कट ऑफ के हिसाब से यहाँ पर कैंडिडेट सेलेक्ट करे गए हैं। उसी के चलते मैं आपको बता दूं, जो लिंक खोला जाएगा आपका 24 जुलाई से 7 अगस्त तक के लिए खोला जाएगा, और इसी बीच आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपलोड करने हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनाकर आपको दे दें कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अपलोड करने के लिए, तो आप उसके लिए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं, हम आपको वह सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे जो आपको अपलोड करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऊपर लिस्ट देख सकते हैं उनकी 161 कैंडिडेट्स की जो यहाँ पर सेलेक्ट हो चुके हैं, तो यह उन सभी की लिस्ट है। साथ ही साथ लिंक आपका इसी बीच खोला जाएगा 24 जुलाई से लेकर 7 अगस्त के बीच, तो इसी के बीच आपको भरने हैं। यहाँ पर कंडीशंस भी दे दी गई हैं, हुए सॉलिसिटेड अपलोडिंग ई डोजर्स मस्ट अपलोड दियर रिक्विजिट इन दिस सेड लिंक इन स्टिप्यूलेटेड टाइम। ठीक है, तो इसी टाइम के बीच आपको भरना है, और यदि आप नहीं भर पाते हैं तो DSSB की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, तो 21/8/2017 यहाँ पर लिखा हुआ है कि 21/8 यानी कि 21 अगस्त 2017 तक आपके पास वह सभी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो इसमें मांगी गई थी। यदि और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद।